हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में COVID-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन
M.S. मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी के रूप के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरै कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विष्णुनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुल्लायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगता कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगतम कल्याणश शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार, सीमा विश्वास दुल्लायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू, सूर्यवंशी खान, अय्यर, सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी के रूप के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विष्णुनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगता कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी के रूप के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार, सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरै कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विष्णुनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार, सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगतम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों दिल्ली आगरा मुंबई और मदुरई कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं। रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। एस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में
हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रंजना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद
कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान, अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं। अक्षय कुमार सीमा विश्वास दुल्लायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याणश शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। अतरंगी रे आनंद यल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फंतासी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। टी सीरीज फिल्म्स कलर येलो प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित
फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू नाम की एक लड़की की कहानी बताती है, जिसे सज्जाद नाम के जादूगर से प्यार हो जाता है। उसकी जबरदस्ती डॉक्टर विशु से शादी हो जाती है। विशु को जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के आने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाता है। रांझना की रिलीज के बाद 2013 में राय ने फिल्म के विचार की कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना निश्चित था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई थी कि फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 में के भीतर ही पूरी हुई थी। इसके बावजूद कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन सप्ताह समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और मदुरे कराईकुडी में कुछ दृश्यों में की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमश पंकज कुमार और हेमल कोठारी द्वारा किया गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सारा अली खान दोहरी भूमिकाओं में हैं, रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर सज्जाद और मंजरी की बेटी विशु की पत्नी और मंजरी सूर्यवंशी खान रिंकू की माँ और सज्जाद की पत्नी। यस वेंकटेश विश्वनाथ विशु अय्यर रिंकू के पति और मेडी केरू के पूर्व मंगेतर के रूप में धनुष है। सज्जाद अली खान रिंकू के पिता और मंजरी के पति के रूप में हैं अक्षय कुमार। सीमा विश्वास दुलायन सूर्यवंशी के रूप में, आशीष वर्मा मधुसूदन MS मधु के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा के अनुसार फिल्म को पहले वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2021 पर एक थिएटर्स के रूप में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी ने निर्माताओं को रिलीज को 6 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण यह योजना के अनुसार रिलीज नहीं हुई। सितंबर 2021 में यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र में थिएटर व्यवसाय के फिर से शुरू होने के बावजूद फिल्म की डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार ने इसकी संभावनाओं का भी संकेत दिया। बड़े बजट की थिएटर्स रिलीज की संतृप्ति का हवाला देते हुए इसके संग्रह को प्रभावित कर सकता है और आगे कहा कि फिल्म का एक अलग विषय और कहानी है जिससे पहले कभी नहीं सुना गया था। मेरे और राय के लिए
फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त मंच चुना जाता चाहिए। नवंबर 2021 के मध्य में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म को क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब 24 दिसंबर 2021 के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और लगताम कल्याण नश्य शीर्षक के तहत कल्याणम शीर्षक के तहत रिलीज किया गया था और सारा अली खान के साथ साथ तमिल संस्करण में अक्षय कुमार की आवाज़ क्रमश चिन्मयी और मनो द्वारा डब की गई थी। तमिल संस्करण का शीर्षक शिवाजी गणेशन की 1968 में इसी नाम की फिल्म में से लिया गया था। फिल्म का तमिल संस्करण भी उसी दिन जारी किया गया था जो हिंदी संस्करण के प्रीमियर के साथ हुआ था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।